और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 घंटे तक चली मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान भी शहीद हुए हैं और 15 घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी 15 घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने को लेकर बने असमंजस के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर किसी आलोचना से नहीं डरती। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए महबूबा ने कहा है कि केंद्र पैगाम दे कि वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए जो हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। 5 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान होगा, जबकि असम में 2 राउंड में वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को मतदान होगा। 5 राज्यों के नतीजे 19 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव और टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने 294 सीटों में 57 पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार और 45 पर महिला उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। दिल्ली में आज से महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर यह सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन की खास बात यह है कि ये पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है। सम्मेलन में वक्ता से लेकर आम सदस्य तक हर स्तर पर महिलाएं रहेंगी। इस सम्मेलन की शुरुआत तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। सम्मेलन के आखिरी दिन यानी 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी समापन सत्र में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर की तमाम महिला जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिनमें सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्रियों सहित अलग अलग मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने मायावती पर तीखा हमला किया है। मंत्री ने कहा है कि आगरा में पहले दलित गौभक्त अरुण और फिर सत्येंद्र की हत्या हुई, लेकिन मायावती चुप रही। यूपी मिशन 2017 की तैयारियों में जुटी बीजेपी आज से वृंदावन में युवा मोर्चा का अधिवेशन कर रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में बीजेपी के करीब 15,000 युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी अधिवेशन में शिरकत कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चों को अपने पसंद के स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार है। सरकारी स्कूल नजदीक होने पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से सरकार नहीं रोक सकती। आगरा में महिला ने एमबीबीएस डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि अब वो डॉक्टर किसी और से शादी करने जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के सामने इंसाफ की गुहार लगाते हुए युवती ने धमकी दी है कि अगर डॉक्टर की शादी नहीं रुकी तो वो खुदकुशी कर लेगी। गाजियाबाद पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र उर्फ बबलू ने अपने दोस्त की हत्या की थी, जिसकी सुपारी मारे गए शख्स की पत्नी और भाई ने दी थी। जितेंद्र पर आईजी मेरठ ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। यूपी के शामली में पुलिस ने आए दिन बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जहां भी एक साथ कई छात्र और युवक दिखाई दिए, उन्हें पुलिस ने थप्पड़ मारकर और डंडों से वार कर खदेड़ दिया। यूपी के कन्नौज में एक स्कूल टीचर को छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस टीचर की हरकतों से स्कूल की महिला टीचर भी परेशान थी और उनकी शिकायत पर ही बीएसए ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। गाजियाबाद में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लड़की को घर में अकेली पाकर अगवा करने की कोशिश की, हालांकि वो अपने मंसूबों में नाकाम रहे। इस दौरान लड़की घायल हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के घर वालों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इससे दुखी होकर युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जान देने वाले युवक के भाई की शिकायत पर लड़की के पिता और 2 भाइयों पर मामला दर्ज किया है। यूपी के बागपत में 2 शातिर एटीएम ठग पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस के मुताबिक इन ठगों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके अकाउंट से लाखों रुपए साफ कर दिए। अब पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है।
यूपी के मथुरा में पुलिस की स्पेशल टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 900 पेटी शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दो दिन प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। ऋषिकेश में चल रहे नेशनल योग फेस्टिवल में हिस्सा लेने हॉलैंड से भारत पहुंची एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला 24 फरवरी को लापता हो गई थी। 4 दिन बाद विदेश मंत्रालय के दखल के बाद पुलिस ने महिला को ढूंढ लिया। महिला नग्न हालत में बेहोश मिली। इलाज के बाद महिला को वापस हॉलैंड भेज दिया गया। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 16 फरवरी को दिए गए एक भाषण के आधार पर एडवोकेट विवेक गर्ग ने ये शिकायत दर्ज कराई है। केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे के मामले में दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया है। दिल्ली सरकार की मांग है कि छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज वापस किए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी टेरी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन आर के पचौरी की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिला। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार जीएनसीटीडी नियमों का उल्लंघन कर रही है और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा और जगदीश प्रधान ने दावा किया कि 16 विधेयक, 52 अधिसूचना और सरकार के कई फैसलों में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ। फीस वृद्धि के विरोध में दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। छात्र सत्र के बीच में ही फीस में बढ़ोतरी से गुस्से में है। यूनिवर्सिटी के 74 निजी कॉलेज में फीस वृद्धि के लिए कहा गया है। मेट्रो में सफर करने वालों को डीएमआरसी ने एक और तोहफा दिया है और अब आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड ई वॉलेट पेटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हैं। पेटीएम का यूज करके वेब और मोबाइल ऐप दोनों के जरिए मेट्रो कार्ड रिचार्ज किया जा सकता है। एम्स के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार की बर्खास्तगी के खिलाफ एक बार फिर डॉक्टरों ने आवाज बुलंद की है। शुक्रवार की शाम एम्स के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर कुलदीप की बर्खास्तगी का विरोध किया। जंतर मंतर पर ज्वेलर्स और आभूषण कारीगरों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी के करीब 1200 ज्वेलर्स शामिल हुए। महाराष्ट्र में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2015 में 3228 किसानों ने मौत को गले लगा लिया, जो कि पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ औरंगाबाद में ही 1130 किसानों ने आत्महत्या की। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने रिश्वत को लेकर एनआईए के पूर्व अधिकारी लोकनाथ बेहरा के दावों को आधारहीन बताया है। शिंदे ने कहा है कि उनके पास इस केस की फाइल कभी नहीं आई। शिंदे जुलाई 2012 से मई 2014 तक गृह मंत्री थे। वहीं बेहरा एनआईए की उस टीम का हिस्सा थे जो 2010 में हेड्डी से पूछताछ के लिए अमेरिका गई थी। मुंबई के जोगेश्वरी में बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी वॉचमैन को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 74 साल की मुमताज का मर्डर 11 फरवरी को हुआ था। वारदात के बाद से बिल्डिंग का वॉचमैन रफीक फरार था। मुंबई के पास कल्याण में फिरौती के लिए 7 साल के नयन जैन की हत्या से नाराज लोगों ने मार्च निकाला और ये लोग गांधी चौक से तहसीलदार कार्यालय तक पहुंचे और नयन की मां ने बेटे के कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। इस मामले में पुलिस राजेंद्र मोरे, विजय दुबे और दशमेश खुशवाह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को भरोसा दिया है कि वो पॉस्को के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए 23 लाख रुपए देगी। सरकार ने कहा है कि इसके लिए 3 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं और बाकी के 23 लाख 3 दिन में दे दिए जाएंगे। मुंबई की सेशंस कोर्ट में फिलहाल एक ही पॉस्को कोर्ट है जहां बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम नहीं है। मुंबई के कलीना में मणिपुरी लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है। 27 फरवरी को लड़की कलीना में अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, तभी आरोपी विजय जाधव ने उससे छेड़छाड़ की और बाल खींचे। पहले पुलिस ने इस मामले में
एनसी ही ली थी, लेकिन मीडिया में मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। मुंबई पुलिस ने राज्य के कई इलाकों में छापेमारी कर फर्जी स्टैंप के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15,500 फर्जी स्टैंप पेपर मिले हैं, जिनकी कीमत 7 लाख से ज्यादा है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि सभी सियासी पार्टियां पूरे प्रदेश में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करें, जहां फोन करके लोग शिकायत कर सकें कि पार्टी के किस कार्यकर्ता ने कहां पर अवैध पोस्टर या बैनर लगाए हैं। जवाब में शिवसेना ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो जल्द ही पार्टी का टोल फ्री नंबर जारी करेगी। लोकल ट्रेन हादसों में दोनों पैर गंवाने वाली रोशन ने एमबीबीएस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली है और औरों के लिए मिसाल भी बनी है। 23 साल की रोशन के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं और 2008 में जोगेश्वरी में ट्रेन हादसे के दौरान उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। लड़की से बात करने पर शुरू हुआ विवाद एक युवक की हत्या के बाद खत्म हुआ। वारदात नागपुर के सदर इलाके की है। एक लड़का अपनी दोस्त से बात कर रहा था, वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसे बात करने से मना किया, जिसके बाद उनमें कहासुनी हो गई और उन लोगों ने लड़की को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई के पनवेल में अंजुमन ए इस्लाम कैंपस में कालसेकर कॉलेज की इंजीनियरिंग शाखा के 22 स्टूडेंट्स ने सोलर एनर्जी से चलने वाली कार बनाई है। 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस कार में 3 लोग बैठ सकते हैं। कार को बनाने में 2.5 लाख रुपए का खर्च आया है। पंजाब के तरन तारण में हीरा सिंह नाम के शख्स पर अपनी भतीजी के साथ रेप का आरोप लगा है। 15 वर्षीय पीड़ित के प्रेग्नेंट होने पर पता चला कि आरोपी चाचा 3 महीने से पीड़ित का यौन शोषण कर रहा था और पीड़ित के पिता दिमागी रूप से कमजोर हैं और मां 7 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। राजस्थान के हिंडौन सिटी के कंजोलिया में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के मुताबिक वाकया 28 फरवरी का है। घर में घुसे बदमाश उनकी बच्ची को उठाकर ले गए। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्ची को वापस घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पंजाब के होशियारपुर में एक 23 साल के युवक ने 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बच्चे ने इस युवक को चिढ़ाया था, जिससे नाराज होकर उसने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फरीदाबाद में दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित महिला के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वाले 10 लाख रुपए और एसयूवी गाड़ी की मांग कर रहे थे। महिला के परिवार वालों ने पुलिस की मौजूदगी में ससुराल वालों की पिटाई भी की। पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक लड़की को उसके घर से अगवा कर जबरन शादी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के परिवार वाले वक्त रहते मौके पर पहुंच गए। शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन आरोपी और उसके परिवार वालों ने लड़की के परिवार वालों की बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया गया। शुक्रवार सुबह तस्करों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान तस्कर को मार गिराया गया और इसके पास से एक मोबाइल, एक सिम और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने फर्जी डिग्रियां बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह 8 राज्यों की यूनिवर्सिटीज की जाली डिग्री और मार्कशीट बनाता था और इसके एवज में 35 से लेकर 60,000 रुपए तक वसूले जाते थे। इनके पास से 359 जाली डिग्री, 3 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर बरामद हुए हैं। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन से रेलवे पुलिस ने फर्जी टीसी बनकर लोगों को ठगने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आशीष उर्फ अमन नाम का ये युवक, आरपीएफ ने 3 फर्जी पहचान पत्र भी इसके पास से बरामद किए हैं, जिनमें से 2 में इसकी पहचान अलग अलग है। आरपीएफ ने आरोपी युवक को जीआरपी थाने के हवाले कर दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शासकीय कन्या आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से 16 लड़कियां बीमार हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक सभी लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है। एसडीएम ने कहा है कि जांच के बाद इस मामले में सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश के बैतूल में मिड डे मील के दौरान दलित बच्चे के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। दाल मांगने पर दलित बच्चे के खिलाफ रसोईये पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। स्कूल प्रबंधन ने मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी है। मध्य प्रदेश के दमोह में पीने के पानी को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन किया, लेकिन समस्या सुनने के बजाय कलेक्टर ने महिलाओं को ही खरी खोटी सुनाई। इससे नाराज महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताया। अकेले ही चार बदमाशों का मुकाबला करने वाली भोपाल की बहादुर बेटी रीति जैन से गृहमंत्री बाबूलाल गौड़ ने मुलाकात की और गृहमंत्री ने रीति जैन को 5,000 रुपए का इनाम दिया। सीएम शिवराज की गोदरी बेटी रिंकी की धूमधाम से शादी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बारातियों का स्वागत किया और शादी के लिए बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। सरकार की आलोचना को लेकर सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा का भी ध्यान रखना जरूरी है। सीएम वसुंधरा राजे के मुताबिक 2 सालों में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए हैं। राजस्थान के चुरू के पास रतनगढ़ में चलती ट्रेन से टीटीई और आरपीएफ जवानों ने एक यात्री को धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने से यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में 2 टीटी और 2 आरपीएफ जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के चुरू में एक सरकारी स्कूल में केंद्र अधीक्षक और अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक पर बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने का आरोप लगा है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी लिफाफे से ढक देने का आरोप है। इन दोनों के खिलाफ शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। स्मार्ट सिटी बनने के लिए तैयार जयपुर में जल्द ही स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू की जाएगी और इसके लिए जयपुर में जिस तकनीक को लाने की बात हो रही है वैसी तकनीक फिलहाल दुनिया कहीं नहीं है। सरकार स्टार्टअप्स के लिए अगले हफ्ते वेब पोर्टल लॉन्च करेगी और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत 2019 तक सभी नेशनल हाईवे क्रॉसिंग फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 208 जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। सेतु भारतम परियोजना पर 50,000 करोड़ का खर्च होगा। एनपीए की समस्या झेल रही सरकारी बैंकों के लिए गुड़गांव में ज्ञान संगम शुरू हो गया है। ज्ञान संगम में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में 8 लाख करोड़ रुपए का स्ट्रेस एसेट है और उम्मीद की जा रही है कि ज्ञान संगम में बैंकों के विलय पर भी चर्चा होगी। 2017 तक बैंकों के एसेट क्वालिटी की समीक्षा की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यानी एफटीएससी ने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं। नया बदलाव 21 मार्च से लागू होगा और इस पोर्टफोलियो में से सेल अडानी एंटरप्राइजेस जैसे दिग्गज नाम अब बाहर हो गए हैं, जबकि बीईएल, मैरिको, राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे मिडकैप इंडेक्स भी शामिल हो गए हैं। कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को अंतरिम राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कॉल ड्रॉप पर कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को भी नोटिस जारी किया है। टेलीकॉम कंपनियों ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इससे पहले ट्राई ने 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर जुर्माना चुकाने और 7 मार्च तक मुआवजा देने का आदेश दिया था। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स एक बार फिर विवादों में घिर गई है। रिंगिंग बेल्स को मोबाइल सप्लाई करने वाली कंपनी एडकॉम ने कंपनी पर उनका ब्रांड खराब करने का आरोप लगाया। एडकॉम का दावा है कि उन्होंने रिंगिंग बेल्स को 3,600 रुपए में मोबाइल बेचे थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिंगिंग बेल्स इसे 251 रुपए में बेचेगा।
दो हफ्ते में नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी होगा। प्रोजेक्ट के लिए जीवीके, जीएमआर इंफ्रा, टाटा की बोलियां शॉर्टलिस्ट की गई हैं और नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 16,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। विज्ञापनों पर निगरानी रखने वाली एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई ने दिसंबर में 42 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों को सही पाया है और इन विज्ञापनों को गुमराह करने वाला या फिर आपत्तिजनक पाया गया है। पाबंदी वाले कुल 42 विज्ञापनों में 9 एजुकेशन, 8 हेल्थ केयर और 7 ई कॉमर्स से जुड़े हैं। अमेजॉन ने अमेरिका में वॉइस कंट्रोल्ड इको स्पीकर आधारित 2 डिवाइस लॉन्च किए हैं और इसके इस्तेमाल से यूजर्स पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर म्यूजिक सुनने, टैक्सी ऑर्डर करने और घर के हीटिंग सिस्टम्स के तापमान में बदलाव को भी चेक कर सकते हैं। इन 2 डिवाइसेस के नाम अमेजॉन टैप और इको डॉट है। अमेजॉन टैप एक पोर्टेबल स्पीकर है जिस पर म्यूजिक सुना जा सकता है और इसकी कीमत $130 यानी कि करीब 8,710 रुपए है। वहीं इको डॉट के जरिए स्मार्ट अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी कीमत $90 यानी करीब 6,030 रुपए है। यमन में 4 बंदूकधारियों ने एक वृद्धाश्रम में हमला कर दिया जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 4 नन भी शामिल हैं। बंदूकधारी अपनी मां से मिलने की बात कहकर आश्रम में घुसे थे। रूस में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां एक घर में काम करने वाली नैनी ने 4 साल की बच्ची का सिर काटकर हत्या कर दी और सिर हाथ में लेकर सड़क पर घूमने लगी। महिला का कहना है कि ऐसा उसने क्रेमलिन कैंप में हवाई हमले में मारे गए मुस्लिमों का बदला लेने के लिए किया है। ब्राजील की फेडरल पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सिल्वा पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप हैं। आयरलैंड में एक कार में बम होने की सूचना मिलने पर जब बम निरोधक दस्ते की टीम चेकिंग करने पहुंची तो कार में विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक पुलिस वाले के घायल होने की खबर है। नॉर्वे में आर्मी की विंटर एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम कोल्ड रिस्पांस 2016 रखा गया है। इस अभ्यास में 14 देशों के 15,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स स्टोर को लूटने की कोशिश करता है लेकिन कैशियर की हिम्मत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती और उसे भागना पड़ता है। कैशियर भारतीय मूल की महिला है और उसका नाम भूमिका पटेल है। बेलारूस से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चे को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से फिल्मी अंदाज में बचा लिया गया है।